हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। प्रेम गीत 3 का जो है ना सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। वो इसलिए लिखा जाएगा कि जो एक्साइटमेंट इसने बनाई है, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे जो बनाई है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और लोग इस मूवी का एंटिसिपेशन कर रहे थे कि भैया जल्दी जल्दी आए। ऊपर से जो इंडियन सिनेमा डे हुआ, उसके अंदर 75 रुपये की टिकट मिली, तो लोगों का ये जितना भी प्यार है, क्या ये रिफ्लेक्ट करा है कि नहीं करा है? तो आज हम बात करेंगे 2-3 चीज़ों की। पहले तो प्रेम गीत 3 का जितना भी सपोर्ट आ रहा था, क्या वो नंबर्स में ट्रांसलेट हुआ है? डे 1 का और डे 2 का कलेक्शन क्या होने वाला है, दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना होगा। तीसरी चीज, हम एक और चीज भी बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर एटलीस्ट इसको कितने पैसे करने पड़ेंगे ताकि ये ब्रेक इवन हो जाए और फिर इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो जाए। तो प्रेम गीत 3 जो है करीबन 450 स्क्रीन के अंदर लगी थी और लगभग 500 स्क्रीन इसके हो सकते हैं। टोटल जो कलेक्शन इसका डे 1 के अंदर आया है वो आया करीबन 1.5 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो रिपोर्ट करी गई है वो एटलीस्ट वो है 4 करोड़ रुपए। तो पहली बात तो ये होगी ये किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ये 1.25 करोड़ रुपए के आसपास आज भी करेगी तो जो उसका टोटल नेट कलेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2.75 करोड़। तो पहले तो ये हम डाइजेस्ट कर लेते हैं कि ये फिगर जो है 1.5 करोड़ रुपए, फिर 1.25 करोड़ रुपीज और जो टोटल है वो है 2.75 करोड़ रुपीज। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर ये कितने में बिकी और एक्चुअली में इसका जो बजट को लेके जो कंफ्यूजन चल रही है वो क्या है। देखो, इसका जो टोटल बजट है वो है करीबन 6 करोड़ रुपए, लेकिन एक मैसिव अमाउंट खर्चा गया है 5 करोड़ रुपए का इसकी प्रमोशन करने के लिए, तभी ये मूवी इतनी ज़्यादा आपको विजिबल हुई है और जी ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको प्रमोट किया है। तो टोटल जो खर्चा हो जाता है वो होता है करीबन 11 करोड़ रुपए, ठीक है। वो असाइड है क्योंकि जब प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने जिस तरीके से इसको बेचा और डिस्ट्रीब्यूट किया वो एक अलग तरीके की चीज़ है, लेकिन इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनके करीबन करीबन 2 से 2.25 करोड़ रुपए में इसको खरीदा है, विच मीन्स कि इस मूवी को करीबन 4.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के बीच में बिजनेस करना होगा ताकि जो इसका जो शेयर है यानी कि 2 करोड़ रुपए वाला वो इसको मिल पाए, तब ये ब्रेक इवन हो पाएगी। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज की जो कोई मूवी आती है हिंदी डब में और नेपाल से, क्योंकि पहली बार हो रहा है ये, तो इतने में ही ये मूवी बिकी है फिलहाल के लिए। आपने देखा होगा कि साउथ की भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो हिंदी बेल्ट के अंदर बहुत ही सस्ते में बिकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कार्तिकेय 2 थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिकी थी, वो भी 2-3-4 करोड़ रुपये के आसपास की फिगर था, एक्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट बहुत बड़ा कोई नंबर नहीं था यहाँ पर, अनलेस एंड अंटिल कोई RRR या KGF टाइप मूवी ना हो। अब अगर हम बात करें कि अगर ये जो बिजनेस ये कर रही है 5 करोड़ रुपए का, ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो मुझे लगता है इजीली कर पाएगी क्योंकि 2.75 करोड़ तो आज ही हो जाएंगे, हो सकता है थोड़े बहुत और ऊपर हो जाएं, तो आपको 2 करोड़ रुपए और रिकवर करने वो मेरे ख्याल से हो जाएंगे, तो ब्रेक इवन तो फॉर श्योर हो जाएगा। क्या ये इंडिया के अंदर हिट स्टेटस ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो उसके लिए आपको करीबन से करीबन जो बिजनेस करना होगा वो टचिंग आई वुड से 9 करोड़ रुपए के आसपास करना होगा। 9 करोड़ रुपए के बिजनेस के ऊपर ही अच्छा खासा हिट का स्टेटस ले जाएगी, जो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट ऑल डिपेंड्स कि बाकी जो मूवीज रिलीज होंगी इस या नेक्स्ट फ्राइडे के बाद वो कैसी होंगी और कल ये मूवी क्या जम लेते हैं, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा जंप इसने लिया नहीं। होपफुली इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। आ गई होगी तो थम्स अप कर देना, कुछ कमेंट करना है तो नीचे सभ्यता के दायरे के अंदर कमेंट कर देना, और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप प्रेम गीत 3 को लेकर और अभी आप देख नहीं पाए हैं, तो अब आज आप देखने जाएंगे और फिर अपना रिएक्शन शेयर करेंगे तो वो भी हमें बता देना। बाय बाय।